फिर क्या हुआ महाराज, आगे बताओ। फिर रविदास गंगा घाट से लौटते हैं और जंगल के रास्ते में देखते हैं। सोचो कर्मा, हमारा बच्चा बड़ा समझदार है, ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होगा जो तुम सोच रही हो, समझे? होनहार और समझदार तो है, लेकिन मैं चाहती थी एक बार आप देखाते तो मेरे मन का भ्रम दूर हो जाता। तो नाहक ही परेशान हो रही हो कर्मा, अब ज्यादा सोचो मत, जाओ लाकर मुझे कुछ पैसे दो, मुझे जूतियों के लिए चमड़ा लाना है, जल्दी जाओ। है इस बालक को किसी अति जहरीले सर्प ने डस लिया है, इसकी हालत तो यही बता रही है। हाँ, डस लिया है, रास्ता तो नहीं दौड़ते देर हो जाए। देर हो जाएगी पर कहाँ के लिए, आप इसे लिए कहाँ जा रहे हैं? चंदनपुर। और कहा? अरे भाई राज जी को दिखाना है, चलो चलो। चंदन,
पर वो तो यहाँ से बहुत दूर है, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। देर हो जाएगी? मेरे रास्ते रोकने से क्या, हम जल्दी पहुंचे? चल हट यहाँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था अगर आप ये चंदनपुर ले जाएंगे तो ये चंदनपुर पहुंचने से पहले ही झंडा बच जाएगा। इसीलिए क्या, तू क्या इसे ठीक कर देगा जो बार बार हमें रोक रहा है? हाँ मान्यवर, आप मेरा आश्चर्य समझ गए हैं। मालिक चाहेगा तो क्या नहीं हो सकता, मालिक चाहेगा तो फिर भी हो सकता है, क्योंकि उसी के हाथ में सब चीज़ें हो रही। मैं इसे यही ठीक करने की कोशिश करता हूँ। हट आगे। गुस्सा क्यों होते हैं मान्यवर? आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो ले जाइए इसे चंदनपुर। पर ये, हाँ हाँ, ये बालक बिल्कुल ठीक कहता है। चंदनपुर यहाँ से 5 कोस दूर है, जाते जाते समय लग जाएगा। हाँ ठाकुर, ये बालक ठीक कह रहा है, चंदनपुर पहुँचने में हमें काफी समय लग जाएगा। हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हारे पास जल है? नहीं, जल तो नहीं है। कहो तो ले आए। जाओ किसी नदी या तालाब से जल ले आओ। अरे बर्तन तो है नहीं, तू जल कहाँ में लाएगा? ले आऊंगा, ले आऊंगा। ठीक है ठीक है। अब तक आया क्यों नहीं? अब आप ही कुछ करिए महाराज, इसकी तो हालत बिगड़ रही है। आप चिंता ना करें बाबा, मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। मालिक सब कुछ ठीक करेगा। लाओ लाठी दो। ये तो आप ही प्रभु हैं। अगर आज आप नहीं होते तो? होते क्यों नहीं, हमें उसी मालिक का तो इशारा हुआ था। वो सबकी सुनता है, तेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो ही तेरा तुझको सौंप दिया। गुरु क्या लागत है मोहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा है हे विद्वानी बालक। अब हमें आप ये बताइए, आप है कौन? मैं ये आप लोग ना ही पूछे तो अच्छा ही रहेगा। नहीं नहीं महाराज,
आप बताइए। हाँ हाँ महाराज आप बताइए। मैं माधुर नगर के राहु जी विकर्मा माता का पुत्र रविदास हूँ। माधुर नगर? अब ये लोग भी मेरी जाति को लेकर खेल खेलते सुनाएंगे। आप कहाँ खो गए महान आत्मा? बोलो सतनाम, सतगुरु तुमको खुश रखे। कर्मा देखो तुम्हारा रविदास आ गया। आ गया पुत्र, बड़ा समय लगा दिया गंगा स्नान पर। घर से बाहर जाते समय तो लग ही जाता है राम जी, और ये तो फिर गंगा स्नान गया था। आप यहीं खड़ी खड़ी सवाल जवाब करती रहोगी या इसे भोजन भी कराओगी? अरे सफर से आया है, भूखा होगा। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, चलो बेटा तुम भी भोजन कर बलिहारो। आज दिवस ले मैं बलिहारो। मेरे घर आयो सतगुर प्यारा। आज दिवस ले मैं बलिहारो। आज दिवस ले मैं बलिहारो। ओ मेरे घर आयो, मेरे घर आयो सतगुर प्यारा। आज दिवस ले मैं बलिहारो। आज दिवस ले मैं बलिहारो। आंगन बंगला भवन भयो पावन है। आंगन बंगला भवन भयो पावन है। ए हरि जन बैठे हरि जस गावन। आज दिवस ले मैं बलिहारो। आज दिवस ले मैं बलिहारो। मेरे घर आयो, मेरे घर आयो सतगुर प्यारा। आज दिवस ले मैं बलिहारो। आज दिवस ले मैं बलिहारो। Thank you.
में पखारूं, तन मन धन मैं गुरु जी पवारूं। आज दिवस ले मैं बलिहारूं, आज दिवस ले मैं बलिहारूं। मेरे घर आयो, मेरे घर आयो सतगुर प्यारा, आज दिवस ले मैं बलिहारूं, आज दिवस ले मैं बलिहारूं। प्रणाम राहुल जी। प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। अब आपकी जूती पहनने को मिले या ना मिले, इसलिए आपसे प्रणाम करने आए हैं। आप चौंकिए मत राहुल जी, इसका मतलब यह है कि बनारस राजा का बुलावा आया है, इसलिए हम आपसे प्रणाम करने आए थे। अच्छा राहुल जी, प्रणाम प्रणाम, प्रणाम चलते हैं। धनपाल, हरि सिंह, लक्षुलाल, चमन सिंह, राम प्रसाद, सुनो रामनाथ जी, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। हाँ तो मैं कह रहा था कि मैं घर जा रहा हूँ, बच्चों की छुट्टी समय पर कर देना। जी प्राचार्य जी। जरा खड़े होना, तुम कल प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम,
ये मेरा पुत्र रविदास है गुरुजी। मैं इसे पुस्तक ज्ञान के लिए आपकी शरण में लाया हूँ। रविदास, अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सभी बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाँ हाँ, ये पाठशाला हम चला इसी ले रहे हैं। रामानंद जी का यही उद्देश्य है कि सभी बच्चे पुस्तक ज्ञान प्राप्त करें। चलिए, मैं आपको रामानंद जी से मिलवा देता हूँ। प्रणाम महोदय। रविदास बेटा, तुम भी प्रणाम करो। प्रणाम रामनाथ जी। कहिए, कैसे आना हुआ और ये साथ में किसे लाए हो? जी मैं हरि नंदन राहू हूँ और अपने पुत्र रविदास को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपकी शरण में लाया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर शिक्षा दिलवाइए। लेकिन उससे पहले हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। प्रश्नों के उत्तर? महोदय, शिक्षा मुझे नहीं, मेरे पुत्र रविदास को ग्रहण करनी है। आप उसी से प्रश्न कीजिए। नहीं महोदय, इन प्रश्नों के उत्तर तो केवल आपको ही देने होंगे। जी पूछिए। आप ये बताइए कि आप किस जाति से संबंध रखते हैं और आपका निवास स्थान कहाँ है? से जाति का क्या संबंध? जहाँ तक मेरे पुत्र के निवास का सवाल है, तो हम यही पास के मालूम नगर के निवासी हैं। वही हमारा जन्म स्थान है। क्या कहा? मधुर नगर। तो तुम मधुर नगर के निवासी हो, फिर तो तुम जाति के जरूर चमार हो गए। हाँ, हम जाति से चमार हैं। जाति पाति को पूछे ना कोई, हरी को भजे सो हरी का हो। तो फिर आप यहाँ से जा सकते हैं, आपका पुत्र यहाँ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन क्यों, मेरा पुत्र यहाँ शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम लोग चमार जाति से हो। तुम तो क्या, यहाँ कोई भी शूद्र बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। इसमें मेरे बच्चे का क्या दोष है? उससे ज्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कह दिया तो कह दिया। मास्टर जी इनसे कहिए कि ये यहाँ से जा सकते हैं और अपने बच्चों को यहाँ से ले जा सकते हैं। कहिए राहुल जी, मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे मेरे पुत्र को शिक्षा देने के आश्वासन नहीं देते, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, तुम्हारा पुत्र यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। शर्त? वो क्या? मानने लायक होगी तो जरूर मानूंगा। माननी तो पड़ेगी ही। तुम्हारे पुत्र को मैं इस शर्त पर कक्षा में प्रवेश दूंगा कि कक्षा में वो बाकी विद्यार्थियों से सबसे पीछे हटकर बैठेगा। वो मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बेटा रविदास, तुम अपनी कक्षा में पढ़ाई शुरू कर दो, मैं चलता हूँ। ठीक है मास्टर जी, इस बालक को ले जाओ और कक्षा में सबसे पीछे बैठा दो। जी बहुत अच्छा, चलो रविदास। हम भी देखें कि यहाँ आकर शूद्रों का कितना ज्ञान बढ़ता है। जाओ रविदास, सबसे पीछे बैठ जाओ। और हाँ, किसी बच्चे को स्पर्श मत करना वरना जीव ले। मोहन तुम खड़े हो जाओ। मुझे बताओ कि आज रामू तुम खड़े हो जाओ, ये बताओ कि
आचार्य जी गजब हो गया। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं, वो तो कोई बालक चमत्कारी है। वह या तो कोई प्रेत आत्मा या वह कोई जादूगर है। ये क्या कह रहे हो रामनाथ? हमारी पाठशाला में प्रेत आत्मा या फिर जादूगर? साफ साफ बताओ। साफ साफ बताऊं जी, वो नया बालक रविदास, वो। अच्छा तो ये बात है, जरा बुलाओ तो उसे, मैं देखता हूँ। क्या हुआ प्राचार्य जी? कुछ नहीं रामनाथ जी, आप जाओ और उस बालक को यहाँ लेके आओ। जी अभी लाया। चलो रविदास मेरे साथ, प्राचार्य जी बुला रहे हैं। प्राचार्य जी रविदास आ गया है। रविदास ये हम क्या सुन रहे हैं? जी क्या? क्यों मास्टर जी को तंग करते हो? नहीं महोदय, मैंने कोई हरकत नहीं की। अगर नहीं तो रामनाथ जी से भद्दा मजाक क्यों किया तुमने? गुरुजी की बात है, अरे वो तो गुरुजी की आंखों का भ्रम। मैं तो अपने सदगुरु की भक्ति में लीन रहता हूँ। क्या बकवास करते हो? आप इसे जो भी समझे, ये सब तो मेरे सदगुरु की लीला है और ये सब उन्हीं की कृपा से होता है। जानते नहीं, सदगुरु की भक्ति का अधिकार केवल ब्राह्मण और ऊंचे लोगों को ही है, तुम जैसे शूद्रों को नहीं। मैं तो जानता हूँ महोदय, शायद आप नहीं जानते कि प्रभु सदगुरु के लिए सब बराबर है, चाहे प्राणी किसी भी जाति का क्यों ना हो, क्योंकि सभी प्राणी को उसी ने बनाया, इसीलिए वो सभी को एक बराबर प्रेम करता है। बहुत ज्ञान है इसको, ये तो आध्यात्मिक बातें कर रहा है। ये ऐसे चुप नहीं होगा, ये तो बुद्धि करनी होगी, परीक्षा लेनी होगी। कहाँ खो गए महोदय, आप तो सदगुरु और प्रभु की बातें कर रहे थे। हाँ हाँ जानता हूँ, प्रभु केवल उन्हीं को प्यार करता है जो हमारे जैसे रुचि जाति के लोग जनेऊ पहनते हैं, गले में माला पहनते हैं। देख रहे हो ये माला? बता सकते हो इसके मायने? मेरे गले में है, तुम्हारे गले में।
अंधेरी। क्या करूं माला काट की मन माला है मेरी, अरे मन माला है मेरी, अरे मन माला है मेरी, मन माला है मेरी, अरे मन माला है मेरी। क्या करूं माला काट की मन माला है मेरी, क्या करूं माला काट की मन माला है मेरी। ऊपर आवे नीचे जावे सांस चलत ही जावे, ऊपर आवे नीचे जावे सांस चलत ही जावे। संसारी नर समझे नाही, ओ संसारी नर समझे नाही, प्रथा ही जन्म गमावे। क्या करूं माला काट की मन माला है मेरी, क्या करूं माला काट की मन माला है मेरी, क्या करूं माला काट की मन माला है मेरी, क्या करूं माला काट की मन माला है मेरी, क्या करूं माला काट की मन माला है मेरी, क्या करूं माला काट की मन माला है मेरी। बस रविदास बस, मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारी जगह इस पाठशाला में नहीं, कहीं और है। हाँ रविदास, तुम तो वो सब ज्ञान पहले से ही रखते हो जो ज्ञान पाठशाला के बाद में प्राप्त होता है। बस मुझे इतना बता दो कि ये ज्ञान तुमने किससे पाया है, कौन है तुम्हारे गुरु? बोलो रविदास, कौन है तुम्हारे गुरु? बोलो रविदास बोलो। बेटा रविदास, तुम हमारे साथ आओ। क्या बात बेटा, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? ये क्या बेटा, पढ़ाई छोड़कर घर आ गए? तुम्हें तो पाठशाला में होना चाहिए था। आखिर कुछ हुआ भी? अरे यूं ही मुंह लटकाए खड़े रहोगे, कुछ बोलोगे भी? हाँ बेटा रविदास, तुम बोलोगे नहीं तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि तुम? माता श्री, मैं आज से पाठशाला नहीं जाऊंगा जब तक आप दोनों मुझे ये नहीं बताएंगे कि मेरे आध्यात्मिक गुरु कौन है। मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। आध्यात्मिक गुरु? आध्यात्मिक गुरु? तुम्हारे गुरु वही हैं जो हमारे गुरु हैं, रावत प्रज्ञ। किंतु मैंने तो किंतु परंतु कुछ नहीं पुत्र, हमारे गुरु किसी गुरु नहीं हो सकते, बस ऐसे अपना शिष्य नहीं बना लेते। अरे हाँ कर्मा, ये तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, मैं आज ही इसे गुरु रावत प्रज्ञ की कुटिया पर ले जाऊंगा और परमानंद की दीक्षा में छोड़कर आऊंगा इसे। ठीक है।
हाँ स्वामी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसके कपड़े बदलवाती हूँ, आप इसे गुरुजी की शरण में छोड़कर आइए। पिताश्री, ये रेवतपुरक कौन है? मैंने तो यहाँ कभी नहीं देखे। गुरु रेवतप्रज्ञ। आ बेटा, स्वामी आप भी कुछ खा लीजिए, फिर जाना। चरण स्पर्श करके इनको प्रणाम करो बेटा। सदा खुश रहो पुत्र। परमानंद जी, ये मेरा पुत्र रविदास है, मैं आज इसे आपकी शरण में लाया हूँ। आपको इसे दीक्षा देनी होगी, यदि आप इसे अपनी शरण में ले लें तो ये धन्य हो जाएगा। तो ये रविदास है, ये तो बहुत बुद्धिमान और होनार बालक है, इनको अपना शिष्य बनाकर हम स्वयं ही धन्य हो जाएंगे। राहुल जी, कितने उच्च विचार हैं परमानंद जी आपके, बिल्कुल गुरु रेवत प्रज्ञ की तरह बातें करते हैं आप। अब देखो ना, मैं और मेरा परिवार कितना अभागा था कि उनके अंतिम समय में हम उनके दर्शन भी नहीं कर पाए थे। राहुल जी, ऐसा क्यों सोचते हैं, गुरु कभी नहीं जाते। वो तो सदैव अपने शिष्यों के हृदय में विराजमान रहते हैं, चाहो तो अभी भी देख सकते हो। उदास मत हो राहुल जी, मालिक की यही मर्जी थी, उसी के इशारे से सब कुछ होता है राहुल जी। मैं समझ गया परमानंद जी, मैं समझ गया। अब तो मेरा पुत्र रविदास आपकी शरण में है, आज से आप इसके गुरु
और ये आपका शिष्य। चलो बेटा रविदास, अपने गुरु के चरण स्पर्श करो। चरण स्पर्श करो बेटा। परमानंद जी, मुझे आज्ञा दीजिए।